Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Oh my God, panacea for pressy writing. Yes, आज का मौजू है हमारा pressy writing और हम किस तरीके से एक अच्छी pressy बनाएंगे इसे मैं आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको लाइक कीजिए. थैंक यू. कॉम्प्रिहेंशन, देखिए सबसे पहली बात होती है प्रेसी राइटिंग में. हम जब कोई चीज़ रीड करते हैं या उसको सुनते हैं, रीडिंग एंड लिसनिंग दो चीज़ें होती हैं जिससे हम कोई चीज़ कम्प्रीहेंड करते हैं, मतलब हम कोई चीज़ को समझते हैं. तो जब हम रीडिंग करते हैं तो भी हम किसी चीज़ को गेन करते हैं, जब लिसनिंग करते हैं तब भी हम कोई चीज़ गेन कर रहे होते हैं. तो ये दोनों चीज़ें किस तरफ लेके जाती हैं, एक अच्छे कम्प्रीहेंशन की तरफ लेके जाती हैं कि हम उसको कम्प्रीहेंशन एक हम हासिल करते हैं रीडिंग और लिसनिंग से. अब आपने देखा होगा कि हम कोई मूवी देखकर आते हैं डेढ़ घंटे की या कोई घर पे मूवी देखते हैं और उसके बाद हम किसी को 15 मिनट के अंदर पूरी समरी सुना देते हैं, उसकी तमाम जुज़ियात को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी कहानी सुना देते हैं और किसी ख़ास चीज़ को छोड़ते नहीं उसके अंदर. मगर टाइम कितना लेते हैं, 15 मिनट, यानी हम समराइज कर देते हैं, हम समरी बना देते हैं पूरी स्टोरी की. इसी तरह ज़िंदगी में हम ऐसे वाक़ियात होते रहते हैं, हम सुनते हैं, सुनने के बाद हम किसी को आगे बयान करते हैं तो हम पूरी स्पीच को मुख्तसर करके बयान कर देते हैं. इसी तरह इसको कहते हैं कि बॉटलिंग द रिवर ऑफ इवेंट्स इन अ टम्बलर, यानी कि दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं हम. यही असल चीज़ है प्रेसी राइटिंग. प्रेसी लफ्ज़ है फ्रेंच, प्रिसाइज से निकला है, प्रेसी फ्रेंच वर्ड है ये, इसका मतलब है इसको समराइज करना. ए गुड नरेटर जो इज दैट हु एक्सपीरियंस अ गुड कॉम्प्रीहेंशन. Comprehension is obtained by seeing, watching, reading and listening. After a good comprehension, a reproduction can be brought forth without leaving the essentials of the real stuff. ठीक है, जो आपको मैं अभी बताया आपको कि हम दोनों चीज़ों से हम इसको सीखते हैं और comprehension हासिल करते हैं. Comprehension जब हम ले लेते हैं उसको हम reproduce करते हैं, वो reproduction होता है और उसको हम दोबारा अपने अल्फाजों में बयान कर देते हैं. अब इसके ये क्या टिप्स होने चाहिए, क्या चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए, इसके लिए हम आगे चलते हैं. देखिए, रिप्रोडक्शन होती है रिवर्बल एंड रिटन. जब आप रिप्रोड्यूस करते हैं किसी चीज़ को सुनने के बाद या पढ़ने के बाद तो या तो उसको ज़ुबानी बयान करेंगे या लिख कर बयान करेंगे. आपने देखा कॉम्प्रीहेंशन एंड रिप्रोडक्शन आर इनकॉर्पोरेटेड थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है, यानी कि ये स्पीचेस होती हैं, हम किसी की बात सुनते हैं, डायरेक्ट डायलॉग सुनते हैं, उसको हम अपने अल्फाजों में आगे बयान कर देते हैं, उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं. ये भी एक तरीका है समराइज करने का. इसी तरह हमारे एवरीडे राइटिंग वर्क जो होता है उसके अंदर आपने देखा होगा स्क्रिप्ट रीड किया जाता है फर्स्ट और फिर रिप्रोड्यूस किया जाता है इस समराइज फॉर्म के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसी राइटिंग. इसको प्रेसी राइटिंग बोलते हैं. तो याद रखिए, प्रेसी राइटिंग भी होती है और वर्बल प्रेसी भी होती है. साइलेंट फीचर ऑफ प्रेसी. अब प्रेसी बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, यहाँ पे आपके सामने 5 चीज़ें बयान की गई हैं. नंबर 1 है शुड बी इन योर ओन वर्ड्स. जो कुछ भी आप बयान करें या लिखें वो आपके अपने अल्फाजों में होना चाहिए. ठीक है, यानी ये कि आप सोचें कि जैसे अब आप बयान कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी कि आप एक मूवी की स्टोरी बयान कर रहे होते हैं या किसी इवेंट को देख कर आते हैं फिर बयान कर रहे होते हैं, इसको रिप्रोड्यूस करते हैं मगर अपने अल्फाजों में बयान करते हैं आप. ठीक है, नंबर 2 मस्ट बी इन कनेक्टिविटी. उसके अंदर एक कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पहले बात बयान कर दी फिर भूल गए फिर पीछे से दोबारा पीछे चले गए. एक कनेक्शन होना चाहिए, एक लड़ी में प्रोएवा होना चाहिए पूरी एक स्टोरी को. नंबर 3 यूज़ वन वर्ड फॉर मैनी. कई लफ्ज़ आपको इससे मिलेंगे जिसके लिए आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम देखेंगे आगे कि किस तरह हम करते हैं. यूज़ एडियोमेटिक लैंग्वेज. आप मुहावराती ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लंबे चौड़े एक वाक्य को आप एक मुहावरे के अंदर बयान कर सकते हैं आसानी से, तो इस तरह आप उसको समराइज कर सकते हैं. चेंज फिगर्स ऑफ स्पीच इनटू लिटरल एक्सप्रेशन. फिगर्स ऑफ स्पीच जो होती हैं फिगर्स ऑफ लिटरेसी कहलाती हैं. जो आपने सुना होगा सिमिलीज होते हैं, मेटाफोर होती है, पर्सनिफिकेशन होती है, ये तमाम चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं. इसको आप सिंपली बयान कर सकते हैं एक लिटरल एक्सप्रेशंस के अंदर. तो अब हम देखते हैं एक एक को एक एक वन बाय वन लेते हैं. नंबर 1 योर प्रेसी शुड बी योर ओन वर्ड्स. आपकी प्रेसी अपने अल्फाजों में होनी चाहिए. अब आप देखिए एग्जाम्पल्स. आई कैन एक्सटेंड नो मर्सी टू यू.
said the king, except permitting you to choose what kind of death you wish to die. ठीक है, इसकी प्रेसी किस तरह बनाई हम देखें. The king gave him nothing but to choose the death. ठीक है, इतनी बड़ी बात को अपने अल्फाजों में बता दिया कि बादशाह उससे यही कह रहा है कि तुम्हें सिर्फ ये चूज़ करना है कि किस तरह मरना है. मरना तो है. ये देखें आप, एक प्रेसी बन गई सेंटेंस की. इसको अपने अल्फाजों में बयान कर दिया इन योर ओन वर्ड्स. नंबर टू में देखें, द वुमेन फेल इनटू द माउंटेन रिवर एंड बिफोर हेल्प कुड रीच शी मैनेज्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द वाटर. द गर्ल फेल इनटू द रिवर सेव्ड हरसेल्फ. देखा आपने पूरे वाक्य को, पूरे एक नरेशन को हमें किस तरह बयान किया कि द गर्ल फेल इनटू द रिवर सेव्ड हरसेल्फ. उसने अपने आप को खुद बचा लिया, खुद ही बच गई. वो ज़रूरत ही नहीं है हेल्प की बताने की यहाँ पर. उसके बाद है कनेक्टिविटी. अब आप देखें यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं. इसके बाद देखते हैं कि अब नीचे इसको जब रिप्रोड्यूस किया है तो कनेक्टिविटी रखी. द टूरिस्ट स्टॉप्ड एट अ मोटेल एंड हैड लंच ओवर देयर. सून आफ्टर लंच दे सेट फॉर देयर जर्नी टूवर्ड्स द माउंटेन. द डार्कनेस और वैन द एनवायरनमेंट व्हेन दे रीच देयर डेस्टिनेशन अ विलेज नियर बाय द माउंटेन. दे स्टिल रिकॉल द टेस्ट ऑफ द आफ्टरनून मील. आपने देखा, पढ़ा. अब आप देखें इसको रिप्रोड्यूस किस तरह किया है. ऑन द वे टूवर्ड्स द नेक्स्ट नाइट स्टे इन अ विलेज नियर बाय द माउंटेन द टूरिस्ट हैड अ डिलीशियस लंच. तमाम चीज़ें इसमें आ गई हैं और सब चीज़ें बयान हो गई हैं. एक देखें, सब एक चीज़ जो है कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, मगर ये समराइज्ड फॉर्म के अंदर है. वन वर्ड फॉर मैनी. देखिए रियल मैटर होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप बयान की जाएंगी, मगर आप उसके लिए वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं. ही बाउट चेयर टेबल बेड चेस्ट कबर्ड एंड शेल्फ. अब कन्वर्जन किस तरह किया, ही बाउट फर्नीचर, बिकॉज तमाम चीज़ों को एक वर्ड फर्नीचर में हम समो सकते हैं. वेयर आर माई पेंसिल रेजर रूलर एंड शॉर्पनर. वेयर इज़ माई स्टेशनरी, सिंपल स्टेशनरी. He invited renowned poets, authors, debaters, professors, and intellectuals in the party. He invited laureates in the party. Simply, a laureates cover कर रहा है सबको, renowned poets को, authors को भी, debaters को भी, professors को भी, and intellectuals को भी. इसी तरह, the man fell into the river. Before help could reach him, he disappeared into the river. The man was drowned into the river. आपने एक लफ्ज़ से क्लियर कर दिया. डिसअपीयर्ड का मतलब यही था कि वो डूब गया है. द मॉब एक्टेड इन अ मैनर दैट रेंडर्ड पीपल लायबल टू प्रोसिक्यूशन. द मॉब एक्टेड इलीगली. द क्रिमिनल्स कमिटेड स्ट्रीट क्राइम्स विद फुल फ्रीडम एज दे हैव नो फियर ऑफ लॉ. द क्रिमिनल्स आर एट लार्ज. यहाँ देखें एक वर्ड से, एट लार्ज से हमें पूरी मीनिंग और पूरा मफहूम यहाँ पे क्लियर कर दिया. इडियोमेटिक लैंग्वेज. अब देखिए इसमें कि हम इडियोमेटिक लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे समरी के अंदर. ऑन द डेथ ऑफ हिज अंकल हु वाज अ बिलियनियर ही वाज अपेरेंटली वीपिंग शोइंग एज ही वाज रियली शॉक्ड बाय अ ग्रेट ग्रीफ. ही वाज शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स अपॉन हिज अंकल्स डेथ. नेक्स्ट, In fact, he was not loyal to his country and always worked for the enemy under cover of military officer. He was the black sheep in the army. The poor woodcutter explained his superfluous plan to his wife to become rich overnight. The woodcutter built castle in the air. For the all ordinary people belong to the daily earning profession. It is difficult to understand the budget proposal of the government. The budget proposal is beyond the wit of a man in the street. Now, figures of speech into literal expressions. Despite smoke, the sight of the peak was as clear as crystal. Aap simple keh sakte hain, despite the smoke, the peak was clear. Isi tarah, the king's courage in battle might, without exaggeration, be called lion-like. The king was brave in battle. Simply, the king was brave in battle. Here's the comma of this era. He is very strong man. The roaring wind lashed out
on the cottage and thought it down. The strong wind thought it down the cottage. All viewers, these were the keys, these were the tips that you must keep in your mind while making a pressy. Okay, now we recall them here. You should be in your own words while making a pressy. You must be in connectivity while making a pressy. Use one word for many. Use idiomatic language. Change figures of speech into literal expressions. These are the things which you must keep in your mind while you are going to speak out some event in your own words in summarized form, or you are going to write down some events or a story in your own words. Thank you very much.